अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में तीसरा सालाना फ्री कार न्यूयॉर्क डे मनाया गया। दुनिया के मशरूफ तरीन शहर की सड़कें गाड़ियों से खाली नजर आई। न्यूयॉर्क में तीसरा सालाना कार फ्री डे मनाया गया, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यूनियन स्क्वायर और टाइम्स स्क्वायर के दरमियान किसी भी गाड़ी को शाहराहों पर आने की इजाजत नहीं दी गई। शाहराहों के साथ साथ हार्लम में सेंट निकोल्स एवेन्यू, ब्रुकलिन में मॉन्टिग्यू स्ट्रीट, शोर बुलेवर्ड, क्वींस में वुडसाइड और ब्रॉन्स में ईगल एवेन्यू भी बंद रही। न्यूयॉर्क ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सरबराह ने इस दिन की अहमियत से आवाम को आगाह किया। All of you may be thinking, materials for the arts, what's that got to do with, you know, car-free streets? But I'll tell you that it's all connected. Materials for the arts, this is our 40th anniversary year. We've been keeping valuable things out of the landfill, and that's also really important for a more sustainable city, for cleaner air, and, you know, eventually cleaner water, all the things that, you know, our friends from Columbia talked about before. न्यूयॉर्क अक्सर और बेशतर गाड़ियों के धुएं और शोर से भरा हुआ होता है, इसलिए इस दिन सेहतमंद माहौल के लिए मौसीकी, फिटनेस क्लासेस के साथ रक्स और तालीमी सरगर्मियों को तरजीह दी गई। इस मौके पर न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल मेंबर ने दुनिया को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए इस दिन की अहमियत को उजागर किया। For pedestrians and cyclists to come and celebrate with many activities related to art, to music and to science and to talk about things that we can do to support initiative that will allow to save our planet.